एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लांट्स। आज जो है हम प्लांट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और ये है चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 का, जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और फर्दर जो लीफ है उसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम कुछ कॉमन प्रोसेस जैसे कि ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे, ये क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के कितने प्रकार होते हैं, और फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और फ्लावर में जो है फर्दर स्टैमन और पिस्टल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगी, और मेनली जो है माइनर क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट से जरूर आते हैं, तो आपको ये जो है बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स को उनकी हाइट की बेसिस पे, उनकी ब्रांचेस के बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये किया गया है 3 कैटेगरीज में डिवाइड। सबसे पहले आता है हर्ब, सेकंड पे आता है शर्ब, और थर्ड पे आता है ट्रीज। तो हम वन बाय वन देखते हैं हर्ब्स कौन से होते हैं। ये सबसे छोटे प्लांट जो होते हैं उनको जो है हम हर्ब्स बोलते हैं। जो इनका तना होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंडर स्टेम होती है इनकी, मतलब ये ज्यादा हर्ड नहीं होती है। और जो इसकी ब्रांचेस होती है ना हर्ब्स की, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो हमने देखा हर्ब, हर्ब जो है सबसे छोटा होता है हाइट में, जो इसका तना है ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है, ये ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है इसकी। सेकंड हम देखते हैं अब शर्ब, शर्ब की जो हाइट है वो इनसे बड़ी होती है हर्ब वालों से, और इनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो बेस से ही शुरू हो जाती है, मतलब जो तना है इस पेड़ का, जो उसकी फिर ब्रांचेस निकलती है वो ग्राउंड से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है हम देखते हैं ट्रीज, ट्रीज की जो हाइट है इन दोनों से मैक्सिमम होती है। अब जो इसमें ब्रांचेस जो है ग्राउंड से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस ट्री में जो ब्रांचेस होंगी वो एक हाइट के बाद ही जो है शुरू होंगी। तो जितना तना होगा, तने की हाइट खत्म होने के बाद जो है ब्रांचेस बनना शुरू होंगी। और इसमें जो तना होता है वो कैसे कलर का होता है, वो होता है ब्राउन स्टेम होती है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड तना होता है इसका इन दोनों के कंपेरिजन में। इसमें ब्रांचेस भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस हमने देखा हर्ब में, शर्ब में और ट्रीज में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जैसे कि क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स जो है ना ये होते हैं, मतलब ये सीधा स्टैंड अपराइट खड़े नहीं हो सकते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, मतलब जैसे एक ट्री है वो खड़ा हो सकता है, ये क्रीपर नहीं खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ जो है क्या होते हैं, ग्राउंड में फैलते हैं, सिर्फ धरती पे फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्राउंड है, तो आपने यहाँ पे क्रीपर्स उगाए तो वो जो है क्या होंगे, वो सीधा ग्रो नहीं करेंगे, वो यहाँ पे फ्रूट आ गया कोई, फिर जो है यहाँ पे रूट बन गई, यहाँ पे फिर फ्रूट आ गया, फिर रूट बन गई, तो ये क्या होते हैं ग्राउंड में ही फैलते रहते हैं। और इसी को जो है हम इसलिए क्या बोलते हैं, इनको क्रीपर्स बोलते हैं। और ये ग्राउंड पे क्यों फैलते हैं, क्योंकि इनका जो तना होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए जो है ये ग्राउंड पे ही ग्रो करते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि वाटर मेलन। आप इसकी अगर कभी देखते हैं लाइव जो फार्म वगैरह होते हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा क्रीपर्स क्या होते हैं। तो क्रीपर्स आर दोज प्लांट्स, क्रीपर्स जो है वो प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ग्राउंड पे ही फैलते हैं। कहाँ पे फैलते हैं? सिर्फ ग्राउंड पे ही फैलते हैं। उनका जो तना होता है वो अपराइट खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स का तना भी कमजोर होता है, बट अगर उनको कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो अपराइट खड़े हो सकते हैं। जैसा कि कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, ये जैसे एक सपोर्ट दिया हमने पेड़ में, ठीक है, मनी प्लांट। जो मनी प्लांट है आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे इस सपोर्ट के अराउंड में ग्रो करता रहता है। तो जो प्लांट्स विद सपोर्ट क्लाइंब कर सकते हैं उनको जो हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ, उससे पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ
लीफ, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये जो हमें पता होना चाहिए। देखिए आपको ये यहाँ पे एक पत्ती नजर आ रही होगी, इस ये जो पूरी पत्ती होती है इसका जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। और उस लीफ में जो है आपको जो लाइंस नजर आती हैं चारों तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो जो लीफ होती है उसके मिड में एक मोटी लाइन होती है, कैसी लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, और उसको जो है हम किस नाम से जानते हैं, मिड रिब के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा पूरा जो पार्ट होता है ग्रीन पार्ट उसको हम लेमिना बोलेंगे, जो फर्दर स्मॉल जो लाइन का पैटर्न बना होता है, बोल सकते हैं जो डिजाइन बना होता है लीफ पे, उसको हम वेन्स बोलते हैं, और जो मेन वेन होती है उसको हम मिड रिब बोलते हैं। अब जो ये लीफ है, ये प्लांट का ये तना है, ये स्टेम है और ये लीफ है, तो जो ये बीच में पार्ट है जो कि स्टेम को और लीफ को जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिटॉयल। क्या बोलते हैं, पिटॉयल। उसके बाद हमने देखा लीफ पे जो है डिजाइन बना होता है, पैटर्न बना होता है वेन्स का, जिसको हम बोल सकते हैं वेनेशन। तो वेनेशन भी कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, जैसे कि ये एक लीफ है ठीक है, इसमें आपको मिड रिब के दोनों साइड में सेम डिजाइन मिलेगा ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जैसे कि ये एक लीफ है ठीक है, इसमें जो है ये मिड रिब है इसकी, और यहाँ पे जो है एक डिजाइन बना हुआ है, ये देखिए ये जो है ऐसे वेन्स बनी हुई है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन ठीक है। हमने अब लीफ का पार्ट समझ चुके हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट। रूट के टाइप हम देखेंगे, सबसे पहले हम रूट का फंक्शन देख लेते हैं। रूट किस में हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो है ये रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो रूट और वाटर जो मिनरल्स हैं वो स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट में चले जाएंगे, लीफ में ब्रांचेस में हर एक जगह जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को एक उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको जो है अगर कोई प्लांट है वो उसकी रूट्स जो हैं वो किस में हेल्प करेंगी, उसको खड़ा होने में हेल्प करेंगी। तो ये हमने देखा रूट के कुछ फंक्शन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के भी कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये एक पेड़ है ठीक है, इसमें एक रूट, ये मेन रूट है, तो जो सबसे ज्यादा मोटी और जो मेन रूट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। तो जो मेन रूट होती है जैसे कि ये एक मेन रूट है, तो ये हुई टैप रूट। एंड फिर उसके बाद फर्दर जो इस टैप रूट में जो कि मेन है, इसमें दोनों साइड में जो रूट्स निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। तो ये देखा हमने टैप रूट एंड लेटरल रूट्स। अब हम देखेंगे फाइबरस रूट। जिस प्लांट में फाइबरस रूट होती हैं उसमें जो है कैसी रूट नहीं मिलती है, उसमें टैप रूट जो मेन रूट होती है वो नहीं मिलती है, फाइबरस में बहुत ही ज्यादा फाइबर से मिलेंगे ऐसे फैले हुए, और उसमें जो है फाइबर में फर्दर ये लेटरल रूट मिलेंगे। तो ऐसे प्लांट्स में जो है कोई भी मेन रूट नहीं होती है या फिर टैप रूट नहीं होती है, इसमें सिर्फ जो है फाइबर्स मिलेंगे आपको बहुत ही ज्यादा, और उन फाइबर्स पे जो है फर्दर क्या मिलेंगे, लेटरल रूट्स मिलेंगे। तो ये देखा हमने टाइप्स ऑफ रूट्स, वन इज टैप रूट, सेकेंड इज लेटरल रूट एंड थर्ड इज फाइबरस रूट। अब हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर में जो है क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं, आपने फ्लावर अगर कभी देखा हो तो फ्लावर ऐसे खिला हुआ है, तो उसके जो नीचे का पोर्शन होगा उसके नीचे भी जो है कुछ छोटे छोटे लीव्स होती हैं जो कि ग्रीन कलर की होती हैं ठीक है, और वो जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि वो खराब ना हो पाए। तो इस जो ये ग्रीन लीफ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीपल्स बोलते हैं ओके। सीपल्स
सीपल्स किस में हेल्प करती है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की प्रोटेक्शन में। तो ये ग्रीन पार्ट को हमने क्या बोला? सीपल्स बोला। और जो फर्दर फिर उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं? पीटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटल्स। ये जो है फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे पीटल्स। तो हमने देखा फ्लावर में जो है मुख्य रूप से सीपल्स एंड पीटल्स। सीपल जैसे ये फ्लावर है पूरा, और इसके जो नीचे साइड में चारों ओर ग्रीन लीफ होंगी उनको हम सीपल्स बोलेंगे, और जो मेन फ्लावर की लीव्स होंगी उनको हम पीटल्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है पीटल्स के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि फ्लावर के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल। जो स्टेमन होता है वो मेल होता है एंड जो पिस्टिल होता है वो फीमेल होता है। तो स्टेमन में जो है कौन से दो पार्ट आएंगे फर्दर? स्टेमन जो है ये हमने स्ट्रक्चर स्टेमन का बनाया है, जिसमें जो ये लॉन्ग आपको थ्रेड नजर आ रही है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और जो ये ऊपर जो बाइलोब सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और एंथर और फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पिस्टल। पिस्टल जो है ये भी पीटल्स के अंदर ही मिलता है, और पिस्टल में क्या पाया जाता है? तीन पार्ट से पिस्टल बनता है। फर्स्ट स्टिग्मा, उसके बाद जो ये नैरो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे स्टाइल, और जो नीचे ये ओव्यूल राउंड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है फर्दर स्मॉल स्मॉल जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। तो जो ये स्टिग्मा होता है, कोई भी इंसेक्ट जब इन एंथर को अपने साथ स्टिक करके इस पे लैंड करती है तो वो जो है उस एंथर को यहाँ पे छोड़ देती है, और फिर जो एंथर है फर्दर इसमें स्टिग्मा में एंटर करता है, और फिर स्टाइल में एंटर करता है, और फिर ओवरी में एंटर करता है, और यहाँ पे आके जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो है हमने बेसिक चीजें देखी है अबाउट प्लांट्स। अब जो है हम लास्ट दो प्रोसेस देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। वन इज ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनमें से वाटर का इवेपोरेशन हो, वाटर जब बाहर निकलता है H2 जो वाटर है जो H2O है जब लीफ से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसी प्रोसेस से जो है प्लांट जो है अपना बहुत ही ज्यादा वाटर लूज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जैसे कि ये लीफ है, लीफ में जो है एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और जब इस ग्रीन पिगमेंट में जो है लेट मी टेक ग्रीन मार्कर, जो ये ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है लीफ में, और इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट पड़ती हैं, तो जो ये ग्रीन पिगमेंट है किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस लीफ, ये जो लीफ है, फोटो सनलाइट भी पड़ेगी इसके ऊपर, ये CO2 भी लेगा एटमॉस्फेयर से, और ये H2O भी लेगा एटमॉस्फेयर से। तो जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लीफ के अंदर एंटर करती हैं और सनलाइट भी उसको मिलती है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? फूड की प्लस ऑक्सीजन की। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और फिर जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? लीफ में स्टोर होता है, और लीफ के थ्रू जो है कुछ वेसल्स होती हैं जिनको हम फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम के बारे में जो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे, और उन वेसल्स के थ्रू जो है ये फूड जो है हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये देखा हमने अबाउट प्लांट, दैट इज बेसिक कंसेप्ट। वन इज हर्ब शर्ब एंड ट्रीज। ट्रीज सबसे बड़े होते हैं। देन हमने जो है लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है उसको डिस्कस किया। बीच वाली रिब को बोलते हैं मिड रिब, जो बाकी स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं वेन्स, और जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेमिना, और जो तने को और लीफ को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पिटोयल। और फिर जो है जो डिजाइन होता है वो दो तरह का डिजाइन पाया जाता है, एक होता है रेटिक्यूलेट जिसमें मिड रिब जो होती है उसके दोनों साइड पे आपको सेम डिजाइन मिलेगा, और पैरेलल वेनेशन में होती है जो मिड रिब होती है उसके दोनों साइड में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेंगे।
फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रूट्स, दैट इज स्टेप रूट, जो कि मेन रूट होती है, और उस मेन रूट में जब आपको, जैसे कि ये एक मेन रूट है और इस मेन रूट के साइड में जब रूट निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स में जो है लेटरल रूट्स ना होके सिर्फ फाइब्रस रूट होती है, जैसे कि ये हमारी जो है फाइब्रस रूट है, और इन फाइब्रस रूट के साइड पे दोनों पे जब रूट्स आती हैं जो कि लेटरल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा, रिकैप कर लेते हैं, फ्लावर, फ्लावर जो होता है फ्लावर के जो कलर्ड जो लीफ होती हैं उनको हम पीटल्स बोलते हैं, और जो कलर पार्ट होता है उसके नीचे कुछ ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिसको हम सीपल्स बोलते हैं। और पीटल्स के अंदर स्टैमन मिलता है और पिस्टल मिलता है। स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा जिसपे एंथर लाई करता है आगे, उसके बाद स्टाइल, एंड देन ओवरी, एंड ओवरी के अंदर कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। इधर हमने देखा क्रीपर्स, क्रीपर्स मीन्स वाटरमेलन जो कि सिर्फ ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। एंड क्लाइंबर्स हमने देखा, किसी का सपोर्ट लेके जो क्लाइंब करते हैं उनको हम क्लाइंबर बोलते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। लास्ट हमने देखा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसमें जिस प्रोसेस में जो प्लांट्स की लीफ हैं उनके थ्रू जो है पानी का बाहर निकलना, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लीफ की जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट मिलता है, और जब इस ग्रीन पिगमेंट को सनलाइट मिलती है तो ये फूड का फॉर्मेशन करता है, और जो ये फूड होता है कहाँ पे स्टोर होता है, ये होता है लीफ में स्टोर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्लांट्स का जो है बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।